हर जगह अपना राज होगा, अपना हिंदू राष्ट्र बनेगा, बस अपने योगी जी और मोदी जी रहेंगे हमेशा के लिए। चाहिए न, गरीब को साथ दो, गरीब तुम्हें साथ देंगे। हाँ सर, ये गरीब को साथ दोगे तब गरीब साथ तुम्हें देंगे। मिल रहा है बोलिए, कुल महंगाई कर रहा है मोदी ने, जो सामान 10 रुपये किलो 50 रुपये किलो बेच रहा है, बताइए कैसे हम लोग खाएंगे। यहाँ का माहौल चल रहा है, जनता क्या सोच रही है, आइए हम बातें करते हैं। आप इस बार किसको वोट दे रही हैं? मोदी जी को। क्यों दे रही है मोदी को? उन्होंने ज्ञान वापी मंदिर को दोबारा से बनवा दिया, इससे बड़ी और क्या बात होगी। उन्हें और क्या विकास हुआ? अपने आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम दिल्ली के रहने वाले हैं, हम राम मंदिर से होते हुए काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आए। फर्स्ट टाइम आई है बनारस में? हाँ, फर्स्ट टाइम आई है बनारस में। और क्या विकास हुआ बनारस में? मैं पहले कभी आई नहीं हूँ तो मुझे यहाँ का पता नहीं है कि विकास यहाँ का कैसा था। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ का माहौल इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। अच्छा सर, आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से हैं। साथ दिल्ली से आया, आप किसको वोट दे रहे हैं? आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। अरे सर, मतलब आप बताना चाहेंगे तो किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी। हाँ, मतलब क्या विकास हुआ, क्या मतलब वो क्या विकास हुआ इस कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था अच्छा, पहले और अब के मुकाबले काफ़ी फर्क आया है। यूपी के जो यूपी का पहले सिस्टम था उसके मुकाबले काफ़ी चेंजिंग आ गई है। अब आप बेफिक्र होकर घूम सकते हैं। अब वाराणसी में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? नहीं, हाँ वाराणसी फर्स्ट टाइम पर है। आपको वाराणसी में सबसे अच्छा क्या लगा? अभी तो मैम अभी घूम ही रहे हैं, बाकी तो अभी विश्वनाथ मंदिर वगैरह भी घूमा है, अभी और भी जगह देखते हैं उसी के बाद। आइए हम और लोगों से बातें करते हैं। सर, आप किसको वोट दे रहे हैं? ऑब्वियसली जिसको सब देंगे उसको हम भी देंगे। सर किसको दे रहे हैं, नाम बताइए आप। नाम किसको बताएंगे, हमें आसाम से हूँ तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? आसाम से हूँ मैं। हमारा वाराणसी में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं क्या? हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम आया है। हेमंत बिश्व शर्मा जी अपना वो चीफ मिनिस्टर है, तो वही हिसाब से वोट होगा ना, 100% उनको ही मिलेगा सबको, आप समझ लीजिए। इस टाइम वाराणसी में आए हुए और लोगों से बातें करना जा रहे हैं। सर, आप कहाँ से हैं? हम तो लोकल हैं। आप किसको वोट दे रहे हैं? हम लोग तो बीजेपी के ही है। आपको क्या विकास दिखा उसमें? बहुत कुछ है, यहाँ तो विकास है, विकास है, नहीं देख रहा है आपको? बताइए क्या दिखा। अरे यहाँ पे पब्लिक डबल हो गया है, बहुत ज़्यादा पब्लिक आ रही है यहाँ, तो अभी कोई कमी नहीं है, स्मार्ट सिटी है। आप बोलिए, हम क्या बोले यार। सर बोलिए आप। ठीक है दीदी, हमको जॉब कर रहे हैं, हमको जॉब करने दीजिए दीदी। 28 का दूध 30 में हो गया है। 28 का दूध 30 में हो गया है। नहीं, महंगाई तो छू ही रहा है, महंगाई में। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? 1 किलोमीटर के लिए हमको देना पड़ता है 300 रुपये। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? वो उससे जानकारी से करके आपको कोई फायदा नहीं। अरे सर, आप बताएंगे आप किसको वोट दे रहे हैं? सर हम वोट, मेरा जो होता है वो एक गुप्त अधिकार होता है, वो हम आपको बता नहीं सकते हम किसको देंगे। ये जानते क्यों सर, आप डर क्यों रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं? हम इसमें डरने की कौन सी बात है, आपको बताएंगे। हम आपको अपना वोट क्यों बताएं? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। अपना वोट बीजेपी पे जाएगा और कहाँ जाएगा? आपको क्या दिख रहा है, मतलब बीजेपी को आप क्यों दे रहे हैं? विकास कर रहे हैं और क्या। क्या विकास हुआ? अरे विकास कर रहे हैं, अपने हिंदू को जागरूक कर रहे हैं और अपनी वो देशभक्ति भी दिखा रहे हैं, हम लोग को जागरूक कर रहे हैं, बस यही चीज़ बताना चाहते हैं। अभी जो अयोध्या में रामलला का मंदिर स्थापित हुआ है उसको देखकर क्या आपकी राय, मतलब बनारस में मतलब क्या? हर जगह अपना राज होगा, अपना हिंदू राष्ट्र बनेगा, बस अपने योगी जी और मोदी जी रहेंगे हमेशा के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम। इस टाइम हम वाराणसी में कुछ युवा लोगों से बातें करना चाहेंगे। नहीं मैम, आप किसको वोट दे रही हैं? वोट? हाँ नहीं नहीं, अभी नहीं कुछ। क्या हुआ मैम, डर क्यों रही आप बताइए? डर नहीं रही हूँ, चलो थैंक यू। अरे ये बोलेगा, ये बोलेगा। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मिर्जापुर जिला। मिर्जापुर के रहने वाले हैं, आप किसको वोट दे रहे हैं? किसको वोट दे रहे हैं? हम देंगे जिसको मन करेगा उसको देंगे। किसको दे रहे हैं आप वोट? वोट देंगे ना। सर आप नाम बताइए किसको दे रहे हैं? क्या आप वोट किसको दे रहे हैं? तो वोट के बात है कि किधर बात है? क्या हुआ, किसको देना वोट है? सर वही तो पूछ रहे, आप किसको वोट दे रहे हैं? हम लोग कांग्रेस का आदमी है। हम लोग आप कांग्रेस को वोट दे रहे हैं? हाँ, कांग्रेस के देंगे, चाहे जीते चाहे हारे।
सर मतलब आपको कौन लगता है कौन जीतेगा? अब कोई जीते उससे नहीं मतलब है, मगर कांग्रेस के हम लोग जीते हैं। आपको सोच कर ही वोट देंगे ना सर? सोच के कहा हम लोग के कहा मिलता है बताइए, कौन मिलता है? गरीब मर रहा है, जिया रहा है सब कोई है। वो खाली प्रधानमंत्री बना है, मोदी बना है, तो किसको दे रहा है पैसा? हम लोग गरीबों का साथ देना चाहिए ना, गरीब का साथ दो, गरीब तुम्हें साथ देंगे। हाँ सर ये तो गरीब का साथ दोगे तब गरीब साथ तुम्हें देंगे। हम लोग के कुछ नहीं मिलता है, सिलेंडर 500 का सिलेंडर। अभी तो सिलेंडर सस्ता हो गया है सर। हाँ अभी तो सिलेंडर सस्ता हो गया है। हाँ सस्ता हो गया है, 500 का सिलेंडर 1200 हो गया है, बताइए हम लोग गरीब कहाँ से खाएंगे? दिए चावल 50 रुपया। बोलिए आप बताइए, 1200 का सिलेंडर बस चल रहा है, 1100 का चल रहा है, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से खाएंगे? चल परिवार कमाए वाला खाए वाला। आप क्या करते हैं सर? रिश्ता चलाते हैं, रिश्ता चलाते हैं। अब बताइए हम लोग किसे जिलाएंगे परिवार के अपने? अरे कुछ सहायता दोगे तब ना सहायता हम भी देंगे, वोट देने की बात नहीं है, वोट मोदी के दे देंगे हम, मगर हमारा सहायता करो। तुम लेके वोट 400 का सामान 1200 के बेच रहे हो तो किसे सहायता देंगे हम? बोलो 400 का सामान 1200 के बेच रहे हो किसे देंगे हम? हम रिश्ता